पिछले साल जो हमारे यहाँ से 2023 के जेई एडवांस से जो 5 बच्चे सिलेक्ट हुए हैं उनमें से एक हमारी बच्ची है संजना, वो भी आईटी दिल्ली में मैकेनिकल में है। संजना से हम लोग जो अपने मॉडल्स के एक्सपीरियंस प्लस जो आईटी दिल्ली में जो पढ़ रही है तो उसमें मॉडल्स में जो रही उसका क्या उसको बेनिफिट मिला है, तो संजना प्लीज आप कुछ बताएं। मॉडल्स का एक्सपीरियंस बहुत बेस्ट था। एक तो यहाँ पे स्टूडेंट और टीचर के बीच में जो गैप है ना वो तो बहुत ही नेग्लिजिबल है, मतलब आप टीचर से बहुत जल्दी कनेक्ट कर सकते हो, इंटरेक्शन बहुत अच्छा है टीचरों के साथ, आपके डाउट्स वगैरह एवरीथिंग मतलब आप टीचर से बहुत इजीली कनेक्ट कर सकते हो। यहाँ की फैकल्टी एंड पूरा मॉड्यूलर्स की जहाँ पे जो भी जगह है जहाँ पे वो लोकेटेड है वो भी बहुत अच्छा है, मतलब बहुत साइलेंट है वहाँ पे, बहुत नेचर से कनेक्टेड है, तो ओवरऑल इट इज वेरी गुड एक्सपीरियंस इन मॉड्यूलर। अभी जो बच्चे 12th में पढ़ रहे हैं लास्ट टाइम पे जाके थोड़ा पैनिक करते हैं, एक घबराहट होती है एग्जाम से पहले, आप उनके लिए कुछ बोलना चाहोगे भाई किस तरीके से अपने नर्व कंट्रोल रखें? जी मीन्स में हाँ मैं बहुत पैनिक हुई थी, फिर आरबी सर और एसआर के सर ने समझाया था कि पैनिक होने से आई थिंक कुछ नहीं होगा, देन मैंने एडवांस में उसको ओवरकम करा। सेंटर के बाहर भी आरबी सर ने समझाया था कि पैनिक मत होना, नर्वस मत होना, एकदम रिलैक्स होकर करना, इट इज जस्ट अ पेपर, सो या पैनिक बिल्कुल मत होना। संजना लास्ट में आप पेरेंट्स के लिए कुछ मैसेज देना चाहेंगे मॉडल्स के बारे में? मैंने जितने भी मेरे जो जूनियर्स है जो कर रहे हैं मैंने सबको एडवाइस करा कि मॉडल्स द बेस्ट कोचिंग इन अलवर, तो मेरे को लगता है सभी पेरेंट्स को मॉडल्स में एडमिशन करवा देना चाहिए, यहाँ की फैकल्टी बहुत ही अच्छी है, आपको बहुत पर्सनली कंसल्ट करेंगे ये लोग, अगर आप कहीं भी हड़बड़ा रहे हो तो आपको बहुत पर्सनली कंसल्ट करते हैं, बिना कुछ सोचे आप एडमिशन करवा लो।